हे हाय हेलो, दिस इज अपना बुक। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एडेड शुगर या फिर प्रोसेस शुगर के बारे में। शुगर क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है मैनेज करने के लिए। आप में और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको शुगर एडिक्शन होता है। ये शुगर एडिक्शन काफ़ी स्टडीज बताती है इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि कोकेन वगैरह के नशे से भी ज़्यादा होता है। लोग इसके बिना रह नहीं सकते, लेकिन इसको जब आप लंबे समय में ले रहे तो इसके हजार्डस साइड इफेक्ट है। इसी के बारे में आज ये वीडियो है। आप कैसे अपनी डाइट में से शुगर को डिक्रीज कर सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो। डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि हम यहाँ पर एडेड या फिर प्रोसेस शुगर की बात कर रहे हैं, ना कि नेचुरल शुगर की। नेचुरल शुगर हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जो कि हमको फ्रूट्स में से मिलती है, नट्स में से मिलती है या फिर ड्राई फ्रूट्स में से मिलती है, तो वो शुगर तो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमको लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने डाइट में से प्रोसेस शुगर या फिर एडेड शुगर को कम करते तो उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको वहाँ पर अपने हेल्थ के साथ दिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपके डाइट की, लाइक ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के अंदर सीरियल्स है, देन आप प्रोसेस फूड कंसिडर कर सकते हैं, देन स्नैक्स है, या फिर यहाँ पर हम कैंडीज की बात कर सकते हैं, जिसके चलते आप ज़्यादा कैलोरीज को वहाँ पर गेन करते हैं या फिर ज़्यादा कैलोरी का इंटेक करते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। उसके चलते आपकी बेली फैट थोड़ी सी बढ़ जाती है, एक्सेसिव वेट आप पुट ऑन करते हैं, एट द सेम टाइम आप ओबेज भी दिखने लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अपनी डाइट से हटा देना चाहिए। लेकिन अगर बात करते हैं नेचुरल शुगर की, तो नेचुरल शुगर तो आपके लिए लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बट ऑबियस नेचुरल शुगर मीन्स ये नेचुरल फॉर्म है। तो नेचुरल फॉर्म होने के चलते उसके उतने हजार्डस साइड इफेक्ट वहाँ पर नहीं है। एट दिस सेम टाइम अगर नेचुरल शुगर आप ले रहे हैं, एप्पल है, टोमेटो है, गाजर है या फिर अदर फूड्स है, इनके अंदर आपको नेचुरल शुगर जो मिल रही है उसको आपको हमेशा वेलकम करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ आपको ये फ्रूट्स फाइबर देते हैं, वाइटामिन देते हैं और मिनरल्स देते हैं, जो आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो आप हमेशा नेचुरल शुगर को वेलकम करें। अगर बात करते हैं एडेड शुगर की, तो एडेड शुगर के लिए कुछ प्रोटोकॉल दिए गए हैं। लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का कहना है कि 50 ग्राम से कम शुगर आपको डेली इंटेक में अपने डाइट के अंदर शुमार करनी चाहिए। 50 ग्राम से कम शुगर आपको अपने डेली डाइट इंटेक में कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर दिन भर की डाइट में से किसी एक पार्ट को चुनते हैं, तो उसके अंदर आपने एक कैन कोक पी लिया या फिर सोडा पी लिया, जो भी कोल्ड ड्रिंक है, तो उसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेट 40 ग्राम शुगर आपके बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हैवी है। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर देखते हैं तो आपके पास ज़्यादा स्कोप नहीं बचा है अपने बॉडी में शुगर भेजने के लिए। अगर मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, तो आपको लेनी चाहिए 25 ग्राम से 27 ग्राम तक की शुगर, जिसके चलते आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट को वहाँ पर एंटरटेन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं टिप नंबर एक के साथ। टिप नंबर एक, हमेशा जो भी आप फूड ले रहे हैं प्रोसेस फूड, उसके पीछे दिया गया लेबल ज़रूर पढ़े। हम इतने जल्दबाजी में होते हैं कि जब भी हमको भूख लगे, फॉर एग्जांपल कभी आप घर से बाहर है, आपके साथ आपका टिफिन नहीं है, आप अपना घर का पका हुआ खाना नहीं ले जा पाए और आपको प्रोसेस फूड खाना पड़ रहा है, तो आपके पास इतना समय कभी भी नहीं होता, या फिर आप समय नहीं निकालते, आप प्रोसेस फूड को खोलते हैं और इमिडिएटली खाना शुरू कर देते। बजाय इसके आपको उसके पीछे दिया गया लेवल ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस लेवल के अंदर आपको सारी उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और बाकी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। वहाँ पर अगर आप इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि आप अपने बॉडी में इस प्रोसेस फूड के साथ कितनी शुगर भेज रहे हैं, फिर कितनी कैलोरी का आप इंटेक वहाँ पर कर रहे हैं, जिसके चलते आप ओबेज भी हो सकते हैं। अगर आपको ओबेज नहीं होना है, तो आपको हमेशा कभी भी प्रोसेस फूड खाने से पहले उसका इंग्रेडिएंट का चार्ट पढ़ना चाहिए। मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ प्रोसेस फूड का, लेकिन मैं भी प्रोसेस फूड खाता हूँ। पहले मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन इससे काफ़ी एक डिफरेंस वहाँ पर पैदा हो सकता है, अगर आप प्रोसेस फूड के पीछे दिया गया लेवल ठीक से पढ़े। हम यूजुअली करते क्या है, पहले इंग्रेडिएंट पढ़ लिया, मैक्स टू मैक्स आखिरी वाला इंग्रेडिएंट पढ़ लिया और हमारा जॉब खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपको जानकर अचंभा होगा, शौक बैठेगा कि शुगर अलग अलग, एडेड शुगर अलग अलग 16 नामों से पहचानी जाती है। आप जब भी अगली बार लेबल पढ़े, तो वहाँ पर ध्यान रखें, वहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है माल्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, आपको GSE या फिर ग्लूकोज, जिसके पीछे ESE लगा है, वैसे नामों पर ध्यान रखना है, जिसके चलते आपको पता चलेगा कितनी शुगर कैलोरी आप अपनी बॉडी में भेज रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करते तो शुगर के जो अलग अलग नाम है, वहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है हनी, कॉर्न सिरप
या फिर अलग अलग प्रकार के सिरप। सिरप मीन्स शुगर का एक बेस होता है। आपने देखा होगा कप सिरप, सिरप वो थोड़ा थिकी होता है, तो सिरप जहाँ पर लिखा है वो भी एक शुगर का प्रकार है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएंगे कि आप कितनी शुगर अपने बॉडी में भेज रहे हैं। तो अवॉइड करें इस तरीके से अपने बॉडी में एक्सेसिव एडेड शुगर भेजना, जिसके चलते आप फिट एंड फाइन बन पाएंगे। टिप्स नंबर दो, टिप्स नंबर अगर दो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लेना चाहिए नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर की काफ़ी सारे फॉर्म्स है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया नेचुरल शुगर, बट ऑब्वियस नेचुरल फॉर्म है शुगर का, तो आपको इसको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप नेचुरल शुगर अपने बॉडी में अपने डाइट में अगर प्राइमरीली रख रहे हैं, तो आप इसके साथ अपनी जो शुगर का कंजम्पशन है वो तो कंप्लीट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप एडेड शुगर की कंजम्पशन को रोक सकते हैं और अपनी हेल्थ को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। नेचुरल शुगर के मिलने के काफ़ी सारे सोर्सेस है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये आपको मिलती है होल फूड में से, देन इसके बाद फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स है, सीड्स है, लेक्यूम्स है, बीन्स है, इनमें से आपको नेचुरल शुगर मिलती है और आपको ये लेनी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको होल फूड लेना चाहिए, लेकिन बजाय इसके लोग क्या करते हैं फास्ट फूड लेते हैं, क्योंकि आज की जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है। लेकिन जब आप नेचुरल शुगर की बात करते हैं तो आपको लेना चाहिए होल फूड्स। होल फूड्स जब आप ले रहे हैं तो आप 100% श्योर है कि आप कोई एडेड शुगर नहीं ले रहे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप शुगर की जो क्रेविंग है उसको भी कंप्लीट कर रहे और आप एडेड शुगर के एडिक्शन को वहाँ पर तोड़ पाएंगे। तो हमेशा होल फूड को ही प्रेफरेंस दें। अब बात करते हैं टिप नंबर तीन की, ट्राई नॉट टू ड्रिंक योर कैलोरीज। इसका मतलब है कि आप जब भी कोई ड्रिंक ले, या फिर आप कैफे में हैं या फिर आपका कोई ड्रिंक ले रहे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कितनी अमाउंट ऑफ शुगर अपने बॉडी में भेज रहे हैं। इसको जब आप मॉडरेटली या फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे या फिर उस पर ध्यान रखेंगे, तो आपको पता होगा कि कितने अमाउंट ऑफ शुगर आप भेज रहे हैं। क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एक प्रोटोकॉल दिया गया है, लाइक WHO रिकमेंड करती है 50 ग्राम से कम शुगर आपको इंटेक करनी चाहिए। लेकिन अगर आप 25 से 27 ग्राम शुगर इंटेक करते हैं, तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को भी सुधार पाएंगे और फिट एंड फाइन रह पाएंगे। तो अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कभी अगर मैं कैफ़े जाता हूँ या फिर आउटसाइड जाता हूँ, तो मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरी जो कोल्ड ड्रिंक है, कॉफ़ी है, टी है, या फिर और कोई ड्रिंक है जिसके अंदर शुगर इंक्लूडेड है, तो वो कम से कम हो या फिर शुगर ना हो, जिसके चलते मैं श्योर होता हूँ कि मैंने एडेड शुगर वहाँ पर नहीं ली है। तो ये टिप आपकी काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी कोई ड्रिंक ले रहे हैं इसमें शुगर कम से कम हो, जिसके चलते आप एडेड शुगर और शुगर के एडिक्शन से बच पाएंगे। टिप नंबर फोर, अवॉइड रिलाइंग ऑन हेल्दी स्वीटनर टू मच। डू नॉट कैरी अवे फ्रॉम द नेचुरल स्वीटनर्स। आप ये जरूर चाहेंगे कि आपको ये बात पहले कोई बता देता। बहुत सी बारी हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होते हैं और उनमें भी कुछ दिक्कतें होती हैं। जैसे कि अगर आप अपने ट्रांजिशन फेज में, जैसे कि मैं था, जब मैं अपने ट्रांजिशन फेज में था, तो मैंने अपने वाइट शुगर को अवॉइड कर रखा था। वाइट शुगर मीन्स वहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोसेस शुगर। हाई शुगरी डाइट से जब मैं लो शुगरी डाइट की तरफ जा रहा था, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस की, लाइक मैंने वाइट शुगर को रिप्लेस कर दिया था अपने नेचुरल शुगर्स के साथ। नेचुरल शुगर्स में आप ले सकते हैं ब्राउन राइस सिरप, देन हनी, या फिर मैपल सिरप, ऐसी काफ़ी सारे स्वीटनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि नेचुरल स्वीटनर्स हैं। लेकिन इसके साथ आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स भी ज़्यादा लेने चाहिए। फ्रूट्स के चलते आपको अपने कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ शुगर वहाँ पर मिलती होती है। तो हमेशा अपने शुगर लेवल को बनाए रखें, वो आप आर्टिफिशियली ना बनाते हुए प्रोसेस फूड के साथ या फिर एडेड शुगर के साथ ना बनाते हुए नेचुरल शुगर के साथ बनाए रखें। टिप नंबर फाइव, ईट मोर नट प्रोटीन। अगर आप अपने खाने के बाद या फिर खाने के दौरान प्रोटीन नहीं लेते, तो आपका ब्लड स्ट्रीम ड्रेन्ड होगा, जिसके चलते वहाँ पर थोड़ा इरेडिकेटनेस फील आपको आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के अंदर आपके पास से सीरियल्स है, प्रोसेस फूड है, या फिर आपने उसके साथ मिल्क लिया है। सीरियल्स और मिल्क लेने के बाद जब ये जो शुगरी डाइट आपने ले ली है, तो एक सडन ऑफ हाइक वहाँ पर आपको मिलेगा ब्लड ग्लूकोज में, जिसके चलते आपको उस समय में काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा अच्छा वाला फील वहाँ पर आएगा। लेकिन जो ये सडन ऑफ हाइक वहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल में आई थी, वो कुछ देर बाद डिप होंगी। जैसे वो डिप होंगी,
तो आपको एक शुगर क्रेविंग होंगी, जिसके चलते अराउंड 10 बजे के आसपास आपको भूख लगे जैसा फील आएगा। ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उस डाइट के बाद वहाँ पर प्रोटीन इंक्लूड नहीं किया था। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हर डाइट के बाद एटलीस्ट 15 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लें। प्रोटीन वहाँ पर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, जिसके चलते आपको शुगर क्रेविंग नहीं होंगी और अल्टीमेटली इसके साथ आप अपने शुगर एडिक्शन को मॉडरेटली और स्लोली ग्रेजुअली कम कर पाएंगे और आप एक अच्छी हेल्थी डाइट वहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं। आपने जब प्रोटीन को इंक्लूड कर लिया है तो आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो बॉडी पैटर्न है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव और मस्कुलिन वहाँ पर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।